हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल CHS हेल्प सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउसिंग सोसाइटी में आई फॉर्म रजिस्टर कैसे फिलअप करते हैं। वीडियोस को शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आई फॉर्म रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर एज पर रूल नंबर 32 का फॉर्मेट आपके सामने है। इसको फिलअप करने के लिए हमें स्टेटमेंट ए की जरूरत होगी। स्टेटमेंट ए आप अपने सोसाइटीज का जो बिल्डर ने हैंडओवर दिया रहता है वो आप डॉक्यूमेंट्स चेक करिए, उसमें स्टेटमेंट ए आपको मिलेगा। तो स्टेटमेंट ए में आप देखेंगे उसमें सीरियल नंबर वाइज सारे जितने भी मेंबर ने अप्लीकेशन किया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उस सारे एंट्रीज उसमें उनके सिग्नेचर के साथ में रहते हैं, विद उसमें शेयर अमाउंट भी दिया होता है और इंटरेस्ट फीस भी दिया होता है। ओके, तो वो सारे डिटेल हमें यहाँ पे फिलअप करने के लिए लगेंगे। तो जैसा सीरियल नंबर आपको स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है, सेम सीरियल नंबर यहाँ भी फॉलो करना है। बट यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि एक पेज पे एक मेंबर की एंट्री आती है। जैसे पेज नंबर वन है ये, तो पेज नंबर वन पे सीरियल नंबर वन पे जो स्टेटमेंट ए में नाम है वो नाम आएगा और उसकी डिटेल आएंगे। फिर सीरियल नंबर टू के लिए सेकेंड पेज, सीरियल नंबर थ्री के लिए थर्ड पेज, ऐसे आपको पूरा फिलअप करते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियल नंबर वन, जैसे स्टेटमेंट ए में सीरियल नंबर वन है, वन डाल दीजिए। डेट ऑफ एडमिशन आपको सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट है वो डेट आप डाल दीजिए, डेट ऑफ एडमिशन के लिए। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फीस, इसके लिए भी जो एडमिशन डेट है आप वही डेट डाल दीजिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डेट। फुल नेम, फुल नेम स्टेटमेंट ए में जो दिया हुआ है उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप वो उनके सेल एग्रीमेंट के साथ में वेरीफाई कर लीजिए, बिकॉज समटाइम्स जो स्टेटमेंट ए होते हैं उसमें स्पेलिंग के मिस्टेक होते हैं और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सेल एग्रीमेंट में ज्वाइंट ओनर के नाम है बट स्टेटमेंट ए में सिंगल ओनर्स के नाम है। तो आपके स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो रजिस्टर बनाते हैं इसके बेसिस पे ही आप फिर शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे, तो आपके रजिस्टर बिल्कुल करेक्ट बने इसके लिए आप सेल एग्रीमेंट एक बार वेरीफाई करिए और नाम की स्पेलिंग एंड जो भी ज्वाइंट ओनर के भी नाम है तो आप ज्वाइंट ओनर के भी नाम यहाँ पे पूरा डालिए। अगर जगह कम पड़ता है तो आप सेकंड लाइन में भी नाम डाल सकते हैं क्योंकि एड्रेस आपका वन लाइन में आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू लाइन्स आप नेम के लिए ले लीजिए एंड थर्ड लाइन में एड्रेस डाल दीजिए। देन ऑक्यूपेशन स्टेटमेंट ए में प्रोवाइड किया गया है तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। एज भी अगर प्रोवाइड किया गया है तो डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। फुल नेम ऑफ एड्रेस ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय मेंबर अंडर सेक्शन 31। अब जनरली सोसाइटी न्यू है तो डेफिनेटली नॉमिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो जब भी फ्लैट का नॉमिनेशन होगा मेंबर नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करेगा, तब नॉमिनी का हम लोग यहाँ पे नाम डालेंगे एंड डेट ऑफ नॉमिनेशन डालेंगे। डेट ऑफ नॉमिनेशन में आपको हमेशा ये याद रखना है, जब मेंबर नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करता है जो फॉर्म पे डेट है वो डेट डालिए, बिकॉज जो कमेटी होती है, कमेटी की रेगुलर मीटिंग नहीं होती है, कभी दो महीने चार महीने कभी कभी होती भी नहीं है, नई सोसाइटीज को मालूम नहीं होता है ये सारे प्रोसीजर, तो उनका नॉमिनेशन डेट रह जाता है। तो इसमें मेंबर की कोई मिस्टेक नहीं है, मेंबर ने नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया वो डेट आप नॉमिनेशन फॉर्म में जो दिया है वो डेट आप डाल दीजिए। डेट ऑफ सजेशन ऑफ मेंबर, अब ये केस तब आएगा जब ये फ्लैट सेल होगा या किसी को ट्रांसफर होगा, गिफ्ट डीड होता है, तब उस केस में ये मेंबर का सजेशन होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे उसका डेट एंड रीजन डालना है। तो डेट ऑफ सजेशन जब भी, ये जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं जब भी सोसाइटी का मंथली कमेटी मीटिंग में न्यू मेंबर अगर फ्लैट ट्रांसफर होता है तो न्यू मेंबर के मेंबरशिप फॉर्म एंड रेजिग्नेशन फॉर्म ओल्ड मेंबर के ये सब आते हैं, तो उसका जो अप्रूवल होता है जिस भी MCM में मंथली कमेटी मीटिंग में, वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए। रीजन डाल दीजिए, फ्लैट सोल्ड आउट या फील्ड ये फ्लैट ट्रांसफर टू हिज रिलेटिव, जैसे गिफ्ट डीड होता है, तो ये आप रीजन डाल दीजिए। रिमार्क में आप डाल सकते हैं कि सीरियल नंबर वन ट्रांसफर टू सीरियल नंबर, न्यू सीरियल नंबर। अभी न्यू सीरियल नंबर क्या होगा, जो ये फ्लैट अगर ट्रांसफर हो गया ये, तो मतलब इस रिकॉर्ड को आपको कैंसिल करना है, ये सीरियल नंबर आपको कैंसिल करना है, अब ट्रांसफर हो जाएगा न्यू मेंबर को, तो जो न्यू मेंबर का सीरियल नंबर है, अभी फॉर एग्जांपल आप समझिए इसमें इस रजिस्टर में 100 एंट्री है, तो 100 की जगह जो अगर ये फ्लैट सेल हो जाता है, सीरियल नंबर वन सेल हो जाता है और न्यू मेंबर आता है, तो जो न्यू मेंबर की एंट्री होगी वो 101 पे होगी, मतलब न्यू पेज पे आएगा 101 एंड उसका सीरियल नंबर भी 101 होगा और पेज नंबर भी 101 होगा। तो यहाँ पे आपको वही रिकॉर्ड डालने का है, सीरियल नंबर वन या दिस फ्लैट ट्रांसफर टू
सीरियल नंबर 101 एंड पेज नंबर 101 ऐसा आप लिख सकते हैं। प्लीज रिफर टू पेज नंबर 101 एंड सीरियल नंबर 101, दिस फ्लैट इज ट्रांसफर टू हिम, ऐसा करके आप यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मालूम हो जाए कि ये फ्लैट किसको ट्रांसफर हुआ है। एंड नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर ऑफ शेयर हेल्ड, इसमें आपको डेट ऑफ जो शेयर है वो आप डेट ऑफ एडमिशन का डाल दीजिए, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे डेट होता है। कैश बुक फोलियो नंबर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अकाउंट्स रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि वो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होती कभी किस डेट में शेयर जमा हुआ, तो वो फोलियो का कौन सा पेज नंबर है, कौन सा फोलियो नंबर है वो डालना, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ऐसे डैश डाल के छोड़ दीजिए। अप्लीकेशन जैसे वो शेयर कितने अप्लीकेशन जो डालता है कितने शेयर के लिए, तो वो अप्लीकेशन 10 शेयर के लिए अप्लाई करता है, 10 शेयर होता है। अलॉटमेंट भी 10 शेयर होता है, सोसाइटीज में 10 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे 10 शेयर अलॉट होगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि सोसाइटी में जनरली जो होता है एक ही बार में ये शेयर अमाउंट ले लिया जाता है, तो 500 रुपये हो गया शेयर अमाउंट। टोटल अमाउंट रिसीव ये भी 500। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड सोसाइटीज में एज पर बाय लॉ जो है कि 10 शेयर होते हैं हर एक मेंबर के, एंड 1 शेयर ऑफ RS 50, तो अगर एक शेयर 50 रुपये का है तो 10 से 500 का हो गया। एंड सीरियल नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट 1 से स्टार्ट करिए यहाँ पे, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम जब ये फ्रेश रजिस्टर आप बना रहे हैं तो हर जगह ये आपका 1 नहीं आएगा, और ये अगर आप चेक करेंगे तो इसका रेफरेंस आप दे दीजिए शेयर रजिस्टर का, शेयर रजिस्टर में भी ये 1 पे ये मेंबर की एंट्री आएगी, तो ये आ गया। और जो सेकंड टेबल है सेम एंट्री इधर आती है जब ये फ्लैट, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफर होगा, अगर यहाँ मेंबर सिचुएशन आप मेंबर हो रहा है फ्लैट ट्रांसफर हो रहा है किसी को, तब इसको आप यहाँ पे क्रॉस करके कैंसिल लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे भी लिख सकते हैं ट्रांसफर टू सीरियल नंबर दिस, और यहाँ पे न्यू एंट्री आ जाएगी कि उसके सेल एग्रीमेंट के हिसाब से या डेट ऑफ कमिटी मीटिंग का कि किस डेट में अप्रूव हुआ ये न्यू मेंबरशिप, तो वो डेट डालिए और फिर सारे शेयर के डिटेल यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आई फॉर्म रजिस्टर कैसे फिलअप करते हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी सोसाइटी के कमिटी एंड अदर लोगों तक पहुंचे। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।